देखिए नमस्कार बच्चों, हम फिर क्यों क्या निराश हुआ जाए पाठ पढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि लोग बुराई करते हैं और वो भी उनका उद्देश्य होता है किसी में कोई अपेक्षित परिवर्तन लाने के उद्देश्य नहीं, केवल रस लेने के उद्देश्य से ना, मजे लेने के उद्देश्य से, और अच्छाई को वो कोई बताना नहीं चाहते। लेकिन जीवन में ऐसा नहीं है कि बुरा ही बुरा है। तो देखिए इसे एक घटना के द्वारा बताया गया है पाठ में कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और आकर के गाड़ी में बैठ गया। लेखक बता रहा है थोड़ी देर बाद टिकट बाबू आते हैं और वे 90 रुपये जो है वापस उनको देते हैं और कहते हैं कि आप ही गलती से दे आए। तो और उनके चेहरे पर भी एक संतोष की गरिमा है। लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि इस दुनिया में सच्चाई ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएँ हुई, लेकिन ये घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। मतलब अच्छाई दुनिया से खत्म नहीं हुई है, अच्छाई आज भी यथावत है। अब देखिए एक बार वो बस की ओर घटना बता रहे हैं कि एक बार वे बस में यात्रा कर रहे थे और उनके साथ पत्नी और उनके 3 बच्चे भी थे और कुछ खराबी थी बस में। थोड़ी दूर चल करके जो है वो बस रुक जाती है और रुक जाने से देखिए उनके मन में कैसे कैसे बुरे ख्यालात आते हैं कि बता भी रहे हैं इस चीज़ को कि जो बस है वो ख़राब हो जाती है और ख़राब होने से वे बड़े दुखी हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। सभी लोग घबरा जाते हैं जो बस में सवार हैं। तो वो देखिए कैसे सोचते हैं, बस में बैठे लोग भी जो है तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही यहाँ एक बस को लूटा था। अब परिवार के साथ लेखक अकेले हैं और बच्चे भी पानी पानी चिल्ला रहे हैं, पानी का ठिकाना नहीं है, ऊपर से आदमियों का डर समा गया है। तो कुछ नौजवान जो है वो ड्राइवर को पकड़ करके मारने पीटने का भी हिसाब बनाते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है, लोग उसे पकड़ लेते हैं बड़े कातर ढंग से। जो है लेखक बोलता है कि उनकी तरफ देखता है और कहता है कि बस हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, मुझे बचाइए, लोग मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, कातर मुद्रा में को देख करके लेखक जो है थोड़ा सा संयत होते हैं और कि ठीक है वो क्या प्रयास करना चाहता है उसको वो देखते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है कि जो बस का ड्राइवर है वो बहुत ज़्यादा डर गया है, सहम गया है ड्राइवर और कंडक्टर। तो लेखक भी जो है यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री घबरा गए हैं और उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है कि उनको लगता है कि वो धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भयभीत था, कहने का मतलब लेखक कह रहे हैं, और ड्राइवर को मारपीट से बचा तो लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए, बच्चे भी जो है उनके परेशान हो रहे हैं, देखते हैं कि जो ड्राइवर है उसको मारा तो नहीं, बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा हुआ है। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देने की उन लोगों की एक तरह से योजना है। अब थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा कंडक्टर बैठा हुआ है। अड्डे से नई बस लाया हूँ, इसमें बैठिए, ये बस चलने लायक है। और फिर उनके पास आकर के मतलब लेखक के पास आकर के एक लोटे में